जी आ जाओ जी। जबरदस्ती है साहब, समाज सेवा आप लोगों की जारी है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे मुंगरा में इस वक्त कैंप की बाहर आई हुई है, अलग अलग कैंप लगाए जा रहे हैं जी, तो जी। आपके क्षेत्र में मतलब जो कैंप लगाया जा रहा है किस तरह कैंप है और कितने दिन रहे? देखिए आज जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पे शिबली नगर में, यहाँ शिबली नगर में वोटर बनो अभियान के तहत आज कैंप लगा है और इंशाल्लाह ये कैंप 3 दिन तक कंटिन्यूस रहेगा। 3 दिन तक कंटिन्यूस ये कैंप है। इस कैंप के ज़रिए से और यहाँ के लोगों को मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने ज़िंदगी का जो भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स पहले कीजिए। आप अपना ज़िंदगी जिस तरह से गुजारे हैं ठीक है, अपने आने वाली नस्ल के लिए आप कम से कम महीने में आधा दिन 12 घंटा 10 घंटा टाइम निकाल करके अपना पेपर दुरुस्त करिए। पेपर ही सबसे बड़ी चीज़ है और ख़ास तौर से मैं अपने यहाँ उत्तर भारतीय तबका है शिबली नगर भोलेनाथ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप एकदम बराए मेहरबानी अपनी जिम्मेदारी समझ करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त करवाइए। जहाँ जहाँ ज़रूरत है आपको जो मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जहाँ सहायता की ज़रूरत है, कमरुल हुदा खड़े हैं, इनका ऑफिस सिलफाटा पे है, हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारा पूरा जितना भी सिस्टम है सबसे कॉन्टेक्ट करके, लेकिन पेपर आप दुरुस्त कराइए। पेपर अगर आपके पास है कहीं भी लड़ाई लड़ सकते हैं। और आज का ये कैंप जो है ये शिबली नगर में लगा है, इसके अलावा मुनीर कंपाउंड में वैक्सीन का कैंप लगा है, वो भी कंटिन्यूस 3 दिन अलग अलग ठिकानों पर रहेगा। भोलेनाथ में भी कैंप है। सारे लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप उसका फ़ायदा उठाइए। जी कमरुद्दीन साहब बताइए, कैंप जो चल रहा है मतलब किस बात का कैंप है और कहाँ का कैंप लगा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। आज शिबली नगर में ये वोटिंग कार्ड का कैंप हम लोग लगाए हैं और माशाल्लाह देखिए चालू है। ये कैंप कितने दिन रहेगा? कैंप ये कंटिन्यू करीब करीब 5 दिन तक हम लोग चालू रहेगा। और आपके क्षेत्र में कहाँ कहाँ कैंप लगा हुआ है? आज कौन कौन सा कैंप लगा हुआ है? आज भोलेनाथ में है, फिर आई टेस्टिंग है और मुनीर कंपाउंड सिलफाटे पे है, वैक्सीन का कैंप चालू है, वोटिंग का हम लोग यहाँ पे शिबली नगर में भी चालू किए हैं। तो यहाँ जो मतलब नया वोटर कार्ड बनाया जा रहा है या जो करेक्शन वगैरह है या कुछ चेंज ऑफ, यहाँ पे नया वोटिंग भी चालू है और करेक्शन का भी दोनों काम चालू है। और भोलेनाथ में चश्मे का कैंप आई टेस्टिंग कैंप जी, आई टेस्टिंग है वहाँ पे, फ्री आई टेस्टिंग का काम चालू है। कितने दिन रहेगा वहाँ पर? वो भी फिलहाल आज तो चालू है, जैसा डेट मिलेगा आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह बताया जाएगा। और मुनीर कंपाउंड में वैक्सीनेशन का कैंप जी, मुनीर कंपाउंड में वैक्सीनेशन का है। वो कितने दिन रहेगा? आज मुनीर कंपाउंड में है, कल ठाकुरपाड़ा में रहेगा, उसके बाद शिबली नगर में, फिर भोलेनाथ में भी रहेगा। 4 दिन का वैक्सीन का कैंप है। आगे और क्या प्रोग्राम है? बस कंटिन्यू चलते रहेगा स्टेप बाय स्टेप हम लोग का। नाज़रीन सबका मौजूद है शिबली नगर में, आप देखते हैं पीछे वोटर बनो अभियान के तहत कैंप जारी है। हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं जी, बताएं कि आपके इलाके, आपका जो क्षेत्र है शिबली नगर, यहाँ पर समाज सेवक कमरुद्दीन साहब मौजूद हैं, अजफर सेठ साहब मौजूद हैं, कैसा काम हो रहा है यहाँ? माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा है और हमारे कमरुद्दीन साहब जो हैं वो हमेशा बढ़ चढ़ के जो भी काम है वो करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ के रहायशी लोग जो हैं सही ढंग से लावें, उसको बना लेवें ताकि उनको फ़ायदा हुए। 5 साल पहले जो हालत थी वार्ड की और अब आप देख रहे हैं तकरीबन 5 साल होने आ गया, क्या तब्दीली नज़र आई आपको? इसमें तो बहुत कुछ तब्दीली आ गई है। यहाँ लोग सचमुच रोड का काम है, पानी का काम है और भी कोई भी काम है, सब काम माशाल्लाह